Ce chestie tap ma pe for BEO exam and world exam के लिए, जैसे सुपर टेट वगैरह है और बिजनेस लेवल का एग्ज़ाम है, BEO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो हम इस वीडियोस में बताने वाले हैं चिकित्सीय तापमापी, साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि साइंस भी BEO में आने वाला है और भी PCS प्री वगैरह में साइंस काफ़ी आता रहता है और अदर वर्ल्ड एग्ज़ाम में। चिकित्सीय तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर्स क्या होता है? देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर यानी इसके द्वारा शरीर का ताप मापा जाता है। इस पर फारेनहाइट में 95 फारेनहाइट से, यानी कि 95 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फारेनहाइट तक अंकित होता है। फारेनहाइट पे इतना एंड सेल्सियस पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक अंकित होता है। यानी इस थर्मामीटर में एक साइड पर फारेनहाइट में सिंबल लगे होते हैं, यानी कि स्केल बनी होती है 95 डिग्री फारेनहाइट से 110 डिग्री फारेनहाइट तक, और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक। शरीर का ताप बाहरी वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है तथा नियत कांस्टेंट रहता है। हमारे शरीर का जो सामान्य ताप है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता रहता है शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, किससे मापा जाता है। तो शरीर का जो सामान्य ताप है, हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, जो चिकित्सीय तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर से मापा जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर पर फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस के निशान बने होते हैं, यानी कि उसके लाइनें बनी होती हैं जिससे नापा जाता है, स्केल पैमाना होता है। उस पैमाने पर फारेनहाइट में 95 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फारेनहाइट तक के निशान यानी लाइनें बनी होती हैं, ठीक है, या स्केल बनी होती हैं 95 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फारेनहाइट तक, और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक पैमाना में अंकित होता है।